सच साहस सरोकार यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। विधानसभा में सीएम योगी की सर्वदलीय बैठक हुई, जहां बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे, सलावा सपा के इंद्रजीत सरोज, आराधना मिश्रा मोना और राजा भैया भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में बसपा विधायक उमाशंकर मौजूद रहे। दरअसल सोमवार से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई थी। आगरा में हरियाणा एसटीएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यमुना पार के प्रिया हॉस्पिटल में भ्रूण लिंग जांच करने वाला गैंग पकड़ा है। यह ऑपरेशन थिएटर में भ्रूण भी मिला है। स्ट्रिंग ऑपरेशन में डॉक्टर और एजेंट से 10,000 रुपए रंगे हाथ पकड़े हैं और अभी टीम की जांच चल रही है। टीम को हॉस्पिटल में एक और महिला मिली और उसका भी लिंग परीक्षण किए जाने की आशंका है, जबकि हॉस्पिटल में एक कन्या भ्रूण भी टीम को मिला। एक तरफ जहां पर लिंग जांच की व्यवस्था पूरी तरह से बंद की गई है, सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही थी कि लिंग जांच आप नहीं कर सकते, भ्रूण जांच नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी यह मामला आगरा से सामने आया है। संवाददाता जिशान इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, अब किस तरह से आगे इस मामले पर कार्यवाही की जाएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आगरा के प्रिया हॉस्पिटल में हरियाणा की टीम ने धावा मारा, जिसमें आगरा के स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हरियाणा की टीम के साथ मौजूद थी। जानकारी प्राप्त हुई है कि हॉस्पिटल में भ्रूण लिंग परीक्षण करते हुए मौके पे पकड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि 10,000 रुपए देने की भी बात कही गई है, जिसपे टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। अभी फिलहाल में हॉस्पिटल को सीज भी कर दिया गया है और जो डॉक्टर राजीव है, जो हॉस्पिटल संचालक है, उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हैं। जी, तो जानकारी के लिए आपका धन्यवाद जुशान। खबर रायबरेली से, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर सभी जिलों और कस्बों में फैले अतिक्रमण को हटाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस के परंपरागत जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने महाराजगंज कस्बे में भ्रमण किया और अतिक्रमण देख आक्रोशित हो गई। यही नहीं, तत्काल प्रभाव से एसडीएम शालिक राम और अधिशासी अधिकारी अनुराग शुक्ला को फटकार लगाते हुए अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश भी दिए। वहीं एसडीएम अधिशासी अधिकारी और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटवाना शुरू किया। मुरादाबाद के क्षेत्र वासी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल मंडल पुराना मर्दाना हॉस्पिटल में तेज आंधी की वजह से एक पेड़ अचानक गिर गई और मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसे को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल की हालत काफी ज्यादा जर्जर है और अस्पताल की खराब हो रही हालत पर अधिकारियों से शिकायत भी की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। रायबरेली में सड़क सुरक्षा सप्ताह की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जानकारी मिली है कि एरिया थाने के ठीक सामने स्टेट हाईवे पर लगभग 6 से ज्यादा ट्रकें खड़ी हैं। सड़क के किनारे खड़े ट्रकों की वजह से दुर्घटना की संभावना बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने इस मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि ट्रकों की वजह से हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि हमको उत्तर प्रदेश में होने वाली दुर्घटनाओं को आधा करना है निर्धारित समय के अंदर, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे हाईवेज हैं, रोड, ये चाहे स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो या अन्य प्रमुख राजमार्ग हो, उनके किनारे पर किसी भी तरीके से अवैध पार्किंग नहीं होगी, चाहे वो भारी वाहन हो, छोटे वाहन हो। और इसके अतिरिक्त जो भी हाईवे पर ढाबे हैं जहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ऐसे ढाबे चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, अगर वो अपने ढाबे के सामने इस तरह वाहन पार्क कराते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुत्ता पालकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम ने कुत्ता पालने वाले लोगों के लिए साफ सफाई को लेकर सख्त हिदायत दी है। सीएम ने कहा, पालतू जानवर को बाहर ले जाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखें, रोड पर गंदगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम और विकास प्राधिकरण का यह कार्य है कि लोगों को जागरूक करे, उन्हें समझाए, उसके बावजूद भी लोग पालतू कुत्ते को लेकर सड़क पर गंदगी करते हैं तो इसको तत्काल रोका और जागरूक किया जाए। महंगे पेट्रोल और डीजल से परेशान जनता के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने उत्पादन शुल्क में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क में 8 रुपए की कटौती की जाएगी और डीजल पर 7 रुपए उत्पाद शुल्क घटाया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब पेट्रोल 9.05 रुपए सस्ता हो जाएगा, वही डीजल 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वह भी वैट की कटौती करें और जनता को राहत दे। उन्होंने खास तौर पर उन राज्यों को दाम घटाने के लिए कहा है जिन्होंने नवंबर 2021 में वैट में कटौती नहीं की थी। लखीमपुर खीरी में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सीएचसी में बने आवास में स्टाफ नर्स द्वारा प्रसव कराते समय महिला की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ फरार हो गए, वहीं परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर कन्नौज से है, जहां खेत में पानी लगाने गए किसान की फावड़े से काट कर निर्मम हत्या कर दी गई। बाद में बता दें कि मृतक किसान छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के भैसोन गला का रहने वाला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति का पालन करते हुए औरैया जिला प्रशासन जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में लगा हुआ है। जहां रैया के चड्ढा टाकीच के सामने की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को खाली कराया गया है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। मुरादाबाद में मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर अड्डे दलपतपुर अलीगंज मार्ग पर खास चौराहे से लेकर ब्लॉक मुंडा पांडे तक अवैध रूप से सरकारी जमीन पर दुकानें खुली रही हैं, जिसकी वजह से आए दिन इस चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रहती है। जबकि क्षेत्रवासियों का कहना है कि इसी चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर मुंडा पांडे ब्लॉक भी है, जहां ब्लॉक आने जाने वाले ग्राम प्रधानों और ऑफिस के लोगों को जाम की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि मुंडा पांडे स्वास्थ्य केंद्र की एम्बुलेंस को भी जाम का सामना करना पड़ता है। मैं सरकारी भाषा है और मैं सरकार खास रहता हूँ। लगातार यहाँ जो हमारा आना जाना रहता है दलपतपुर पे, तो अतिक्रमण और ये ई रिक्शा जो है उन्होंने इतना रश कर रखा है कि यहाँ से एम्बुलेंस निकलने में परेशानी होती है। और वाहन की तो अलग बात रही, जो एम्बुलेंस के लिए हमेशा एकदम रास्ता दे दिया जाए, उससे भी आसानी से रास्ता नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लगातार दिक्कतें आ रही हैं। और मेरा ये आह्वान है, मेरी गुजारिश है कि ये इसे जाम से निजात दिलाई जाए और दलपतपुर काशी मार्ग पर जैसे गड्ढे हैं, जिस हालात से रोड टूटा हुआ है, तो सरकार से हम विनती करते हैं कि इस रोड को सही कराने का कार्य करे, जिससे हम लोगों का जो जीवन जनजीवन है वो सही तरीके से चल सके। यहाँ पे ये समस्या है कि आए दिन जो यहाँ पे जाम लगता रहता है और ये जो अवैध खोखे इन्होंने खड़े कर रखे हैं और कई कई घंटे जाम में लोग बड़े परेशान होते हैं। ज़्यादातर मुंडे की जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पे खड़ी रहती है और अभी पीछे एक हादसा हो गया था, एम्बुलेंस फंस गई थी, वो मरीज से इंतकाल हो गया था। ये अवैध खोखे जो हैं इन्होंने इतनी जगह बढ़ा रखी है, फिर अपने आगे भी इन्होंने कुछ ना कुछ डाल रखा, जिससे कि आने जाने वालों का रास्ता कभी तंग है। मुरादाबाद के दलपतपुर में अवैध खोखों की क्षेत्रवासियों ने की शिकायत। मुरादाबाद जिलाधिकारी शिकायत पत्र में लोगों ने कहा कि क्षेत्र में अवैध खोखे लगे हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है और जाम में एक एक घंटा तक एम्बुलेंस फंस जाती है। लोगों ने मांग की है कि वहां से जल्द अवैध खोखों को हटाया जाए। प्राइम टीवी की मुरादाबाद से शाहरुख गुजर। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। वहीं सिद्धार्थनगर जनपद के सोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के गौरा बाजार में आई आंधी तूफान में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। साथ ही पेड़ गिरने से गुमटी में रखा सामान भी नष्ट हो गया है। वहीं घटना की सूचना के बाद ग्राम प्रधान पंकज चौबे मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। भरपाई ये देख लीजिए, जैसा दिक्कत यह है कि रात में आंधी बहुत तेजी थी, बहुत तेज में आंधी आई है और पेड़ जो है पाकड़ का पेड़ है,
और गिर गया है और ये बहुत ज़्यादा महंगा होता भी नहीं है, तो इसको जो है कैसे भी करके इसको हटाया जाएगा, बेचा जाएगा, जो भी उचित पैसा मिलेगा टंकी का भरपाई किया जाएगा। नेकपाल साहब से बात हुआ है, वो तो 10-11 बजे तक हम आ जाएंगे, उसके बाद निरीक्षण करके जो अधिकारी महोदय कहेंगे उसी पे जो है किया जाएगा। मतलब इनका नुकसान जो है इस पेड़ के भरपाई से कर दिया जाएगा? जी जी, अरे बहुत नुकसान हो गया है, कम से कम 10-15 हज़ार का सामान रहा होगा, अभी 10-15 हज़ार की टंकी भजवाई तो 20-25 हज़ार का नुकसान तो उसका हो ही गया। भरपाई ये देख लीजिए, जैसा दिक्कत तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजो तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।